न जब भी विशिष्ट प्रसंगों पर करते हैं वो हवन का कार्यक्रम उन्होंने रखा। ये क्या होता है कि जो रूढ़ी परंपराएं होती हैं व्यक्ति उससे डरता है और उसको तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता। बाकी का सही में सब लोग जानते हैं आज कि अगर माता पिता की सेवा की जाए तो इससे बढ़कर के कोई पुण्य नहीं। और इस मामले में पवन जी की माता जी सौभाग्यशाली रही कि बेटा पोता पोती सबने उनका आखिरी समय तक जो सेवा की एक दरकार होती है वृद्धावस्था में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अपना जब शरीर थक जाता है तो एक अक्षमता आ जाती है तो व्यक्ति क्या चाहता है एक प्रेमपूर्ण माहौल चाहता है मदद चाहता है और उसके साथ जो उसने अपने परिवार के लिए दिया प्रेम दिया वो सबको उसको स्मरण रहता है और वो एक अपेक्षा करता है कि आदर सत्कार और प्रेम मिले और सेवा भी हो तो वो सारा कुछ सबसे बड़ी चीज़ है। और व्यक्ति अटक कहाँ जाता है जाकर के आज अपन ये देखते हैं इतने सारे वृद्धाश्रम हैं क्यों है ये वृद्धाश्रम होना नहीं चाहिए जरूरत ही नहीं वृद्धाश्रम की अगर बेटा बहू नाती पोते सब अगर देखभाल करें तो क्या जरूरत है वृद्धाश्रम की। बढ़ते वृद्धाश्रम ये बता रहे हैं कि समाज जो करना चाहिए उससे दूर होता जा रहा है और 13वीं बहुत धूमधाम से करने में कहीं पीछे नहीं रहता है उस कार्यक्रम में वो जितना भी उससे हो सकता है क्योंकि वो जग दिखाई का कार्यक्रम है। आपके घर में आप क्या कर रहे हो अपने वृद्धजन से ये देखने कोई नहीं आता पर जब आप 13वीं का ढंग से बड़ा सा आयोजन करते हो तो सब लोग कहते हैं कि देखो माता का कितना अच्छे से इन्होंने 13वीं का कार्यक्रम किया। तो हम समाज को क्या दिखाना चाह रहे हैं और वास्तव में होना क्या चाहिए होना यही चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों की अच्छे से देखभाल करें उनका उनको उचित आदर सत्कार दें। अगर घर में आदर सत्कार मिले कई बार मैं देखती हूँ बहुत सारे वृद्धजन स्वयं होकर के वृद्धाश्रम जाना पसंद करते हैं क्यों क्योंकि घर में रहने लायक माहौल नहीं होता है हमें वो माहौल देना चाहिए और उस अपेक्षित सेवा जो है वो करनी चाहिए। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि मृत्यु के बाद जबकि वो सारे कार्यक्रम किए तो उस आत्मा को मुक्ति मिलेगी पर वास्तविकता यह है कि हमारा पूरा जो कुछ भी है जीवन वो कर्मों पर आधारित है और व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी कर्म करता है जो अच्छा करता है कुछ उसके हाथ से गलतियां भी होती हैं वो अपने साथ जो पोटली ले जाता है वो अपने कर्मों के ले जाता है। उसके जाने के बाद हम उसे कुछ भी नहीं दे सकते कुछ भी तिनका राय रत्ती कुछ नहीं दे सकते इसलिए पीछे के जो सारे कार्यक्रम होते हैं वो हमारे लिए होते हैं उसके लिए नहीं। उसके नाम से भले 13वीं हो भले दान हो जो कुछ भी होता रहता है उससे उसे कुछ नहीं मिलता वो तो अपनी बैटरी लेके गया